हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना गार्डनिंग यूट्यूब चैनल नर्सरी आइटम पे। दोस्तों, आज आप समझ चुके होंगे, स्क्रीन पे ऊपर में देख रहे हैं चाइनीज मनी प्लांट, जिसे हम पायला के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में हम आपको आज डिटेल देंगे कि हम इसको कैसे प्रोपगेशन कर सकते हैं अपने घरों पर और कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक पौधे, इतना खूबसूरत सा पौधा है। अभी खैर मेरा थोड़ा सेटअप भी शायद ख़राब है, फिर भी बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा है पौधे। और मैं आपको आगे की तरफ इसको जूम करके दिखाता हूँ, इसमें एक पौधे में कितना सारा ये पौधा लगा हुआ है मेरे यहाँ पे। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इसमें कितना सारा पौधा आ चुका हुआ है। अब यहाँ पर इसको मैं कुछ इस तरह से लेके जाता, फिर भी इतने इसमें इतना सारा पौधा आ चुका है, आप देख सकते हैं इसी के अंदाज में। और इसको हम आज प्रोपगेट करने वाले हैं, किसको किस तरह से रिपोर्ट करेंगे और किस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और किस तरह से हम इसको प्रोपगेशन करेंगे। तो आज का वीडियो दोस्तों, सबसे पहले बात आता है पौधे को केयर करने के लिए उसका कंपोस्ट को तैयार करना पड़ता है हमें। तो हम कंपोस्ट को कैसे तैयार करना पड़ेगा, किस तरह का कंपोस्ट यूज़ होगा, उसका डिटेल आपको सब बताने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ कंपोस्ट ऐड किया हुआ है, जैसे कि ये हो गया आपका पत्तियों का खाद और वर्मी कंपोस्ट या फिर नॉर्मल गार्डनिंग सोइल। मैं यूज़ करता हूँ हमेशा पत्तियों का खाद और नॉर्मल गार्डनिंग सोइल, और जो गाय का गोबर होता है वही मैं हमेशा से यूज़ करता रहता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे ये टोटली लगा दिया है। मैंने नीचे की तरफ यहाँ पे कुछ पुराने चादर थे उनको बिछा दिया ताकि घर पे कोई भी मैल ना जम सके। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना सारा पॉप्स आ चुका हुआ है। तो इसका पॉप्स को हम सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं पॉप्स से। तो इसका साइड से जो भी पॉप्स आया हुआ है, एक पॉप्स में कम से कम 6 महीने के अंदर में मैंने दिखा है 15-20 पॉप्स आता है। तो आप इसे इस तरीके से इसको पॉप्स तोड़ देना चाहिए, जो आपको ये आप जो पॉलीबैग में लगाया हुआ है जो भी गमले में, आप निकाल दीजिए या फिर ऐसे पॉलीबैग को नीचे की तरफ फोल्ड कर दीजिए ताकि निकालते वक्त में कोई भी रूट को ज़्यादा डैमेज ना होना चाहिए। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप जून जुलाई या फिर आप सेप्टेम्बर तक इसको रिपोर्ट कर दिए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि गर्मी के मौसम में जो भी रूट का ग्रोथ होता है वो बढ़िया हो जाता है। आप देख सकते हैं इसमें कितना सारा रूट्स आ चुका है, और बिना रूट्स का कोई हो इसका तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप इसे सिंपल ऐसे छोटे पॉप्स को भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो अब जब भी इसको मल्टीप्लाई या फिर डिवाइडिंग कर रहे होते हैं तो आपको ये ध्यान देना पड़ता होगा कि आप इसमें जितना सारा भी जो भी एक मदर्स प्लांट में जितना भी इसका जो साइड से पब्स है वो सारा का सारा आप निकाल लीजिए, ताकि फिर मदर में फिर नया पौधे आता रहे। तो ऐसा करने से आपका ये पौधे में क्या होता है, ग्रोथ बहुत ही बढ़िया रह जाता है। अब वाटरिंग इसको जून जुलाई में आप जब प्रोपगेशन करेंगे तो हफ्ते में 3 दिन आप इसको पानी दीजिएगा। आप करके फिर इसमें ये वाला हिस्सा जो है आप इसको ना पौधे के नीचे की तरफ डंप कर सकते हैं ताकि जड़ जो है वो। तो दोस्तों, 2 महीने के करीबन 2 महीने या फिर आपका 1.5 महीने के अंदर में पौधे का जो भी ग्रोथ आप में हमें इतना दिखने को मिल जाता है। मैं इसको इधर नीचे कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखने को मिल जाए, और ऐसा करके आपको पौधा बहुत ही खूबसूरत सा बन के रह जाता है। आप इसको जून जुलाई के टाइम पे आप ट्रांसप्लांट कीजिए, अगस्त तक आप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए, आप पत्तियों से भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको पत्तियों से ग्रो करने से बेहतर इसे ग्रो करने के लिए बोलूँगा। और फिर आप इसको पानी का बात करें तो हम दिन में आप अल्टरनेटिव डेज चूज़ करके, आपके जगह पे ज़्यादा गर्मी पड़ता है तो आप 2 दिन में इसमें पानी दे दीजिएगा। और इसमें ये छोटी सी बीमारी है, ये जो ऐसा दाग कुछ रहता है, तो जिस पत्तियों में दाग रहता है उसे आप सिंपली ऐसा निकाल के फेंक दीजिए। तो इसका दूसरा सोल्यूशन कोई नहीं है, क्योंकि ये सेंसिटिव है। वैसे तो इसका जीरो मेंटेनेंस पौधा है ये, इसका मेंटेनेंस करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे रूम में रख सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत को पसंद आता है, तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर कर सकते हैं। और आप इसी तरह का दूसरा वीडियो भी हमारे साथ में जुड़ के देख सकते हैं।